दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 रन बनाकर भी छाए रोहित शर्मा, इस वजह से हो रही है चर्चा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में खेल रही है। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम को 149 रनों पर ही रोक दिया। जवाब में टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे और ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन मात्र 12 रन बनाकर वे पवेलियन लौट गए। रोहित ने अपनी पारी में 12 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 12 रन ही बनाए। बावजूद इसके हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ट्विटर पर ट्रेन करते रहे। बुधवार को मैच शुरू होने से पहले ही रोहित शर्मा ट्विटर पर छा गए और देखते देखते ट्रेन करने लगे। दरअसल रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट में पदार्पण किए हुए 12 साल पूरे हो गए। उन्होंने अपने करियर का पहला T20 मैच 19 सितंबर 2007 को खेला था और आज 18 सितंबर है, यानी कि रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 12 साल पूरे हो रहे हैं। रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से 97 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतकों की मदद और 32.73 की औसत से 2422 रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के ही नाम दर्ज है। देखें 12 ईयर्स ऑफ हिटमैन #टैग पर आए कुछ ट्वीट्स। बता दें कि खबर लिखे जाने तक 12 ईयर्स ऑफ हिटमैन के साथ तकरीबन 90,000 ट्वीट्स हो चुके थे।